देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21, मैं हूँ प्रियांशा और इस वक्त मैं हूँ राजधानी के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे आरक्षण केंद्र में टोकन का डिस्प्ले बनाया गया है, मगर वो डिस्प्ले ठप पड़ा हुआ है। विगत कुछ दिनों से यहाँ पे यात्री बड़े परेशान हो रहे हैं, बाहर से आने वाले एवं यहीं के रहने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं कि टोकन में जो डिस्प्ले नंबर किया जाता है वो नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पे लोगों का क्या है कहना। मैडम, एक तो पहली चीज़ ये है ना कि अभी तो करंट टिकट ये लोग दे नहीं रहे, तो उससे क्या होता है कि करंट टिकट न होने के कारण यहाँ पे अगर रिजर्वेशन के लिए आते हैं तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा तो काउंटर क्लोज ही मिलते हैं, तो वो टाइम पे मतलब ट्रैवल पैसेंजर क्या करेगा। और अगर एक्चुअल अगर टिकट लेने के लिए आते हैं तो टिकट मिलता नहीं है, तो इससे बेटर फिर स्टेशन अंदर जाके फिर TT से ही बात करके अंदर जाना पड़ता है। इससे तो मतलब परेशानी हो रही है ना, मतलब ये है कि यहाँ मैन पावर कम है पहली बात, मतलब जहाँ पे यहाँ पे पैसेंजर टिकट के लिए आता है तो उस टाइम पे यहाँ पे इनके एम्प्लॉय नहीं रहते, और अगर रहते भी है तो एक दो एम्प्लॉय रहेंगे, बाकी इतने सारे पैसेंजर्स रहेंगे तो बाकी लोगों का कैसे करेंगे ना, मतलब वेट टाइम कितना बढ़ जाता है, तब तक के तो सीट भी ख़त्म हो जाती है। देखा कि किस तरीके से यात्री यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, जब से यहाँ का टोकन डिस्प्ले बंद हुआ है तब से यहाँ पे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। उसके अलावा भी लोगों का कहना है कि आरक्षण का जो केंद्र है उसके अंदर में मैन पावर कम है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है टिकट कटवाने के लिए। ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, कैमरामैन प्रवीण साहू के साथ प्रियांशा लाजरस।